बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौता पर छह राज्यों के बीच हस्ताक्षर पूर्ण होगी। पेयजल समस्या, जल्द शुरू होगा मंदिर निर्माण चुनाव का राष्ट्रीय पूजा रचिवा। सीसीटीवी में कैद दर्जना हादसा, टैंकर ने 14 साल के मासूम को 100 मीटर खींचा। अब देखते हैं कि शिमला दिल्ली रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के कार्यान्वयन हेतु छह राज्यों के बीच दिल्ली में समझौता हुआ। समझौते पर हिमाचल समेत हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना छह राज्यों में आने वाली पेयजल समस्याओं को पूरा करने के लिए तैयार है। रेणुका जी बांध बनाने से छह राज्यों में पेयजल समस्याओं का काफी। नई दिल्ली बता दें कि 11 और 12 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अवश्य होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस वर्ष 2019 के आम चुनाव राम मंदिर का मुद्दा छाया रहेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस अधिवेशन पर कहा कि हाल के बाद इस तरह के आयोजन से नई ऊर्जा का संचार होगा। उन्होंने आगे कहा कि आम चुनाव में राम मंदिर निर्माण देश का राष्ट्रीय मुद्दा रहेगा। फतेहाबाद हसपुर गांव में एक गैस टैंकर ने 14 साल के बच्चे को कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। टैंकर चालक बच्चे को करीब 100 मीटर तक सीधा हादसे की घटना से सीटिंग में कैद हो गई है। खबरों में आज की यानी एमएनएस की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को